दोस्तों आचार्य चाणक्य की नीतियाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मान जाते हैं। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक मान राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ थे। उनके द्वारा बताई गई चाणक्य नीति को सीखने से आप जीवन की किसी समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। साथ ही साथ चाणक्य नीति का ज्ञान आपके लक्ष्य को पूरा करने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। रात में स्त्री का नाम लेकर ये मंत्र बोल दीजिए और सो जाइएगा। सुबह से ही वो स्त्री आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देगी, आपके प्यार में बेचैन हो जाएगी, आपसे प्यार करना शुरू कर देगी। घमंडी से घमंडी स्त्री भी आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देगी। आपको सिर्फ उस औरत या लड़की का नाम लेकर ये मंत्र बोलना है और सो जाना है। तो दोस्तों आइए जानते उपाय के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आप रात को सोने से पहले पूरब दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएँ। इसके बाद दोस्तों आपको इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों इस मंत्र का जाप आपको सौरत या लड़की का नाम लेकर मंत्र का जाप करना है जिसको आप अपने बस में करना चाहते हैं। दोस्तों मंत्र है ओम ठा ठा ठा, तीन बार ठा 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 बोलना है। ओम ठा 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 अमुखी से मना है पठ्य स्वा। दोस्तों अमुखी की जगह पे आपको सौरत या लड़की का नाम लेना है जिसको आप अपने बस में करना चाहते हैं। दोस्तों इस मंत्र का जाप आपको 551 बार जाप करना है और सो जाना है। दोस्तों बस आपको इतना ही करना है। तो दोस्तों अपनी मोहब्बत को पाने के लिए, अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए इस उपाय को एक बार अवश्य करें जिससे आप अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को, अपने सच्चे प्यार को अवश्य पा सकें। आपके द्वारा किया गया ये उपाय दोस्तों आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुँचा सकता है। तो गहनता के साथ इस बार आपकी मदद करते हैं तो आपके द्वारा किया गया ये उपाय सफल हुआ। भगवान श्री कृष्ण कृष्ण वाणी में इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर आप शुद्ध विचार, सत बुद्धि और अच्छे गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो जीवन में आपको कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप भगवान श्री कृष्णा जी के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।